नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ हार्ड डिस्क की पार्टीशंस के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं बताता हूँ कि यहाँ पे सी ड्राइव है। यहाँ पे जो स्पेस है काफी कम रह चुकी है, क्योंकि इसकी जो पार्टीशन है वो टोटल 58 GB की थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डी ड्राइव है 407 GB की है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा वॉल्यूम है और यहाँ पे काफी ज्यादा कम है। कैसे हम डी और सी का जो वॉल्यूम है वो मर्ज कर सकते हैं ताकि हमारी जो सी ड्राइव का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा हो जाए, इसके बाद बात करूंगा कि कैसे ये जो जैसे ये डी ड्राइव है इसका हम एक और ड्राइव अगर क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे 407 GB की है तो हम चाहते हैं कि 200 GB का एक और पार्टीशन जो हम क्रिएट कर लें ताकि दो ड्राइव्स बन जाए, अलग डाटा हम इसमें भी कुछ रख सकते हैं, उसमें भी कुछ रख सकते हैं। ये तो होगी बात हार्ड डिस्क पार्टीशन के बारे में। अगर कभी आपकी जो पार्टीशन है कई बार लॉस हो जाती है या डिलीट हो जाती है, उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं, या फिर हार्ड डिस्क के अंदर जो पार्टीशन करते समय हमारा कोई डाटा डिलीट हो जाता है उसको कैसे रिकवरी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सारी बातें आज की वीडियो में होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को मिस मत करें। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन तरफ, मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे करना है। फ्रेंड्स, आप अपने ब्राउजर पर टाइप करेंगे मिनी टूल पार्टीशन विजर्ड। जैसे ही आप एंटर करेंगे आप देख सकते हैं पहली वेबसाइट हमारी आ चुकी है। फ्रेंड्स, इसे ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसा सा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप पे डाउनलोड पार्टीशन विजर्ड, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्री एडिशन, बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है। प्रो एडिशन भी है, सर्वर एडिशन भी है, जिसे आप परचेज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे हैं ये भी, इसमें काफ़ी सारे ज़्यादा फीचर्स हैं। फिलहाल मैं अभी आपको फ्री की जो एडिशन है इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं मैं आपको करके बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे डाउनलोड हो चुका है, तो आप इसे इंस्टॉल कर लें। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल यहाँ पे करके रखा हो, फिर मैं आपको बता देता हूँ एक बार। एक्स यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्राई प्रो ट्रायल फॉर फ्री भी है, कंटिन्यू इंस्टॉलिंग फ्री एडिशन, नेक्स्ट कर देंगे। फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मिनी टूल शेडो मेकर फ्री भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फिलहाल आज हम डिस्क पार्टीशन की बात कर रहे हैं, तो फिलहाल मैं यही इंस्टॉल करूँगा, तो इसके बारे में बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉन्च कर सकते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड, ये पहली ऑप्शन आप देख सकते हैं डाटा बैकअप। जब मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा था तो वहाँ पे एक शेडो मेकर का ऑप्शन आया था, मैंने उसे टिक हटा दिया था। अगर आप वहाँ पे वो टिक रखते तो ऑलरेडी वो आपके सिस्टम पर शेडो मेकर आप देख सकते हैं वहाँ पे इंस्टॉल हो चुका होता। तो यहाँ पे आप उसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद आप अपना जो बैकअप है उसमें आपका कॉपी हो जाएगा, सेम उसके सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अपना डाटा का जो बैकअप है वो ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं डाटा रिकवरी। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बढ़िया काम करता है ये डाटा रिकवरी का। अगर आपकी कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, कुछ मिस हो जाती हैं, आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। काफ़ी देखिए कहाँ कहाँ से फाइलें यहाँ पे निकल रही हैं, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। फिलहाल मैंने ये खुद ही डिलीट करी हुई है। तो डाटा रिकवरी बहुत ही बढ़िया है, इसमें पार्टीशन रिकवरी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है पार्टीशन हमारी कुछ लॉस हो जाती है, तो आप चेक कर सकते हैं कि यार कौन सी पार्टी, जैसे अभी तो फिलहाल यहाँ पे सी डी पार्टीशन है। अगर कोई यहाँ पे आपकी कोई पार्टीशन मिस होगी तो वो यहाँ पे शो कर देगा, उसको भी आप इसको रिकवर कर सकते हैं। स्पेस एनालाइजर है इसमें। और अब यहाँ पे नीचे आते हैं माइग्रेट टू ऑपरेटिंग सिस्टम टू SSD ओब्लिक HD। मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को माइग्रेट करना चाहते हैं किसी हार्ड डिस्क में, या आपने नया SSD लिया है तो उसमें करना चाहते हैं, तो वो भी इसके थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, आप अपनी पार्टीशन को ही कॉपी करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। कॉपी डिस्क विजर्ड ऑप्शन है यहाँ पे, आप ये भी नेक्स्ट करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कर सकते हैं। डिस्क वन जो आपका है यहाँ पे पूरा वो कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्वर्ट MBR डिस्क टू GPT डिस्क, वाइप डिस्क, डिलीट ऑल पार्टीशन, सारा कुछ यहाँ से डिलीट क्लीन डिस्क कर सकते हैं पूरा। अब मैं जो मेन जो मैं आपको बताने वाला था हार्ड डिस्क पार्टीशन के बारे में, पहले सबसे पहले मैं आपको वो बता दूँ। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको करके भी बताऊंगा और पूरा कर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सी ड्राइव, डी ड्राइव और ई ड्राइव, वैसे ये सी डी और ई जो ड्राइव्स हैं, तीन ड्राइव्स हैं मेरी यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं डी ड्राइव 407 GB, और यहाँ पे 407 GB शो हो रहा है। सबसे पहले हम करते हैं पार्टीशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे 407 GB की हार्ड डिस्क है, इसमें से एक और पार्टीशन अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं मूव ओब्लिक रिसाइज पार्टीशन, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनएलोकेटेड स्पेस बिफोर भी आप क्रिएट कर सकते हैं पार्टीशन, और अनएलोकेटेड स्पेस आफ्टर भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ से आपको इसको मूव करना, आप देख लें यहाँ पे कितने GB का करना चाहते हैं हार्ड डिस्क। यहाँ पे आप देख सकते हैं 102 GB नीचे, तो यहाँ पे मैं 100 कर देता हूँ।
100 121 GB ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 100.21 GB का एक और पार्टीशन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, पर ये अनएलोकेटेड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी यहाँ पे कोई ड्राइव नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 3 ही ड्राइव शो हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी इसका जो ड्राइव है वो बनानी है, इसको फिर से एक बार राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट के ऑप्शन, क्रिएट को क्लिक कर देंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद इसको आपने यस करना है और आप देख सकते हैं आपकी जो पार्टीशन है वो क्रिएट हो चुकी है। आप देखते रहिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स जैसे ही यहाँ पे ओके हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 GB की एक पार्टीशन जो है क्रिएट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया, हमने पार्टीशन क्रिएट कर ली। तो फ्रेंड्स अगर अब आप यहाँ पे दिखा दूँ आपको कि अगर आपको सी ड्राइव का जो वॉल्यूम है एक्सटेंड करना चाहते हो, आप चाहते हो कि सी ड्राइव में सिर्फ यार 58 GB और यहाँ पे सिर्फ 12 GB रह चुका है, मैं चाहता हूँ कि जो इसका जो वॉल्यूम है कम से कम 100 GB तक हो जाए या 150 GB तक हो जाए, ताकि कुछ भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हो तो यहाँ पे दिक्कत ना हो, तो इसको कैसे करेंगे, अब चलते हैं इसकी तरफ। तो फ्रेंड्स जैसे हमने हार्ड डिस्क की जो पार्टीशन मैंने क्रिएट करी है, वैसे ही इसको वापस आप मर्ज भी कर सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाँ इसमें आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, जो भी आपकी जो हार्ड डिस्क की जो ये पार्टीशन है इसमें जो भी आपका डाटा होगा वो लॉस हो सकता है, इसलिए फ्रेंड्स अपना ये हार्ड डिस्क पार्टीशन करने से पहले अगर आप कुछ कर रहे हो तो आप अपना डाटा किसी पेन ड्राइव में या किसी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में सेव कर लें ताकि आपका डाटा लॉस ना हो। तो फ्रेंड्स मैं वापस चलता हूँ इसी तरफ आपको बताने के लिए कि सी ड्राइव का अगर जो वॉल्यूम है वो हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ई वॉल्यूम जो क्रिएट करी थी, मैं इसको यहाँ पे सिंपल यहाँ पे करके यहाँ पे डिलीट कर दूंगा, राइट ऑप्शन जाके इसको डिलीट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसको राइट क्लिक करके डिलीट करा तो ये जो पार्टीशन है यहाँ से मूव हो चुकी है, अभी ये डिलीट नहीं हुई, यहाँ से आप देख सकते हैं अनएलोकेटेड स्पेस में आ चुकी है। अब हमने डी ड्राइव को राइट क्लिक करना और इसको हमने एक्सटेंड क्लिक कर देना। अब यहाँ पे देखते हैं एक्सटेंड की जो ऑप्शन एक्सटेंड करना चाहते हैं यहाँ पे आ रहा है 100.21 GB, ये जो हमारी वॉल्यूम हमने क्रिएट करी थी ये वापस हम डी ड्राइव में इसका पूरा वॉल्यूम ले आएंगे। कैसे ले आएंगे, यहाँ पे 50 GB इसको आप पूरा कर देंगे, यहाँ पे लास्ट तक लिख के जाएंगे 100.21 GB, ओके कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने ड्राइव क्रिएट करी थी ये 100 GB की, वो यहाँ से मूव हो चुकी है, अब यहाँ से भी मूव हो जाएगी अपने माई कंप्यूटर से। एक बार इसको अप्लाई कर देंगे, आप देख सकते हैं लेफ्ट में अब यहाँ से वो ड्राइव चली गई है। अब मैं आपको बता दूं अब मेरे पास जो डी ड्राइव है 407 GB की है, तो अगर मैं यहाँ से इसको भी डिलीट कर दूं, क्योंकि मेरी जो हार्ड डिस्क है ये खाली है, बिल्कुल इसमें कोई डाटा तो है नहीं, तो आप देख सकते यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको डिलीट करा यहाँ पे फिर से अनएलोकेटेड की ऑप्शन आ चुकी है। अभी आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे सी ड्राइव में जाऊँगा, अब जो आप देख सकते हैं सी ड्राइव मेरी 58.3 GB की है, तो अब मैं इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दूंगा। अब एक्सटेंड कितना करना चाहते हो आप यहाँ पे देख सकते हो 407 GB, अगर आप कम करना चाहते हो या ज़्यादा करना चाहते हो आप देख सकते हो, अगर आपको लगता है आप 200 अगर आप पूरा 400 GB सी ड्राइव में डालना चाहते हो तो आप यहाँ से फुल कर लें, अगर कम करना चाहते हैं 200 तक तो 200 तक रख लें। 200 करने के बाद आपने 200 यहाँ पे ऐड कर लिया, आप सी ड्राइव देख सकते हैं 263 GB की हो चुकी है, अप्लाई कर लें। आप यहाँ पे देख सकते हैं सी ड्राइव आपकी 263 GB की होगी, काफ़ी स्पेस बन गया इसमें। अब जो हमारी जो अनएलोकेटेड स्पेस बची है इसको हम फिर से क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ से ओके कर देंगे तो अप्लाई कर देंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सी ड्राइव का जो वॉल्यूम है यहाँ से फुल हो चुका है और यहाँ पे जो एक और ड्राइव है वो मैंने क्रिएट कर ली है। तो फ्रेंड्स यही मैं आपको बताना चाहता था कि कैसे हम सी से डी ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं और वापस डी ड्राइव का जो अपना वॉल्यूम है वो वापस हम सी ड्राइव में भी मूव कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, बड़ा इजीली हो जाता है इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि फ्रेंड्स अगर आपके कंप्यूटर में सिर्फ सी ड्राइव होगा, अगर सिर्फ ओनली सी ड्राइव होगा वो भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स अगर आपका सिर्फ सी ड्राइव ही होगा, इसको स्प्लिट करने के दो ऑप्शंस हैं, या तो आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे मूव और रिसाइज करके आप इसकी एक और पार्टीशन यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं ओके करके, तो ऐसे ही इसको करके इसको क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं डी ड्राइव बन चुकी है और डी ड्राइव करने के बाद इसको आप अप्लाई कर दें तो ऐसे भी आपकी एक पार्टीशन क्रिएट हो जाएगी, या फिर अगर आप स्प्लिट करेंगे यहाँ से, जैसे मैं अंडू कर देता हूँ, तो
यहाँ से अगर आप इस पार्टीशन को स्प्लिट करना चाहते हैं, स्प्लिट करेंगे तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली 256 और 209 जीबी के रिलेटेड इसने ऑटोमेटिकली स्प्लिट कर दिया। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं कितने जीबी रखना चाहते हैं। ओके कर देंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं क्रिएट करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ये ऑलरेडी हो चुका है। अब इन दोनों चीज़ों को मैं बता दूँ, अगर आप मूव या रिसाइज में इसको करते हैं, यहाँ से करते हैं या फिर आप स्प्लिट करते हैं, जब भी आप फर्स्ट टाइम सी ड्राइव से कोई भी पार्टीशन क्रिएट करेंगे तो आपको यहाँ पे अप्लाई करने के बाद मे बी यहाँ पे आपको ये एक ऑप्शन आ जाएगी रिस्टार्ट नाउ की। तो आपको यहाँ पे घबराना नहीं है, आपको सिंपल यहाँ पे आप सोचोगे कि रिट्राई करूँ या कैंसिल ऑपरेशन करूँ, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको रिस्टार्ट नाउ को दबा देना, रिस्टार्ट नाउ को क्लिक कर देना और आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाएगा। रिस्टार्ट करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो पार्टीशन है वो क्रिएट हो चुकी होगी, इसमें आपको डरने की बात नहीं है। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ आज की वीडियो, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।